तो भैया पेंट तो हम भर के हैं, जब तक आप पेंट्रो देखें अफ्तारी का सामान निकाल लेते हैं। म्यूजिक क्यों दी गई, अफ्तारी की जिम्मेदारी क्यों दी गई? आप समझ रहे होंगे हम लोग कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लाइक हम मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, घर वालों को मेरे हाथ पे खाने खाना पसंद है इसलिए। पर आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मुझे इसलिए अफ्तारी की तैयारी दी गई है क्योंकि वो ईद का सामान करीब है। आपको पता है ईद का सामान जब करीब होता है तो औरतें जो है जाती हैं बाजार में, इसलिए मैंने हमारे घर की सारी खवातीन, दो ही खवातीन वो गई हैं बाजार। चल भाई, तब हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम बाजार से आएंगे तो सीधा अफ्तारी तैयार पड़ी हो टेबल में। तो चले चलते हैं किचन में सीधा बनाने के लिए, उधर ही बात करेंगे अगली। अजी हमने भी एप्रन पहन लिया, जी हम भी खाना बनाएंगे, बस पकोड़े जल जाएंगे वाली नहीं है, बाकी हम हैं। मैं ये मिर्चें काट रहा हूँ, मुझे याद है जैसा से मैं मिर्चें काट रहा हूँ इससे बेहद खतरनाक आपका कट है, बहुत खतरनाक कट है आपका। चले अब कूटते भी हैं लंगड़ी में। I hate your dirty mind, brother. I hate। कूटने वाला काम जो है नीचे ही बैठ करना पड़ेगा क्योंकि अब बाद में जैसे हैं ऊपर लगी हुई है मार्बल, और अगर मार्बल में रख के हमने इतनी बड़ी लंगड़ी ऊपर से लंगर मारा ना तो मार्बल टूट जाएगी और उसके बाद मेरी माँ अपनी जुत्ती से मेरी हड्डियां और मेरा समझदार तोड़ लेगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा अनारदाना, वो बात अच्छी है ना कि अनारदाने से जायका आ जाता है इसमें। उसके बाद धनिया, मिर्चें, नमक, लहसुन की दो झूँ और बस फिर मैशअप करना है दही और उसके अंदर डालना है आपकी चटनी तैयार। तो भैया जी चटनी हमारी होगी बिल्कुल तैयार, अभी हम दही को मैश कर रहे हैं। जब तक मैं ये मैश करूँ तब तक मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, ये सोशल मीडिया आपने क्या फेमस किया हुआ है, मतलब इतना इतनी फेम आप क्यों देते हो एक बंदे को, लाइक आई मीन के छोटी बच्ची हो क्या है, क्या है मतलब हमारे कान सुन 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 के थक गए, स्क्रॉल करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो भी, छोटी बच्ची हो क्या, पब्लिक किस किस को फेमस कर रही है, कभी अमर भाई को भी आपने फेमस कर लिया है, गद्दार गद्दार नहीं है मेरा ऑपरेशन हुआ था आपने उसको भी फेमस किया। कहने का मतलब यह है कि हमें भी चांस दो, हमें भी थोड़ा सा इधर उधर करके फेमस कर लो, क्या होता है। तो भैया जी बातें बहुत हो गई हैं, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, जिस वजह से अभी जल्दी बनाएंगे और काम बहुत अच्छा है, तो फिर इफ्तारी बनने के बाद ही आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। तो सब कुछ कर लिया, अभी हमने बनाना है टैंक, मतलब जामे की खीरी वगैरह सब कुछ बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए होगा ठंडे नींबू पानी, अनारदाना है, प्रैंक हो गए गाइस हमारे साथ, इसके अंदर पाकिस्तान मेरे घर से आ गए, अब मैं किचन से दफा दफा हो रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये लो। क्या बना रहे हैं आप? खल्टस? कटलस, कटलस बन रहे हैं आप। तो भैया ये कटलस। अच्छा ये भी आया, ये पानी डाला हुआ था पहले से। हाँ तो भाई मेरी बहन जो है शरबत में और पानी डाल लगी, जो इतना सा था मैं छोड़ के आया था, उसका पूरा जग बना के ले आएंगे। लाइक तो
रमजान मुबारक। तो भैया जी सब कुछ हो गया हमारा तैयार, फ्रूट फ्रूट कट गया, चटनी हराम चटनी बन गई है, और ये सब स्पेशल चीज़ होती है ना वो ये दूध में खजूर। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना है कि आप सबका भी रमज़ान अच्छा ही गुजरा होगा। अगर आपके कोई मबैन तालुकात वगैरह अगर हैं, अगर खफा शफा हैं, अगर आप ना किसी दोस्त वगैरह से भी तो राज़ी हो जाए, मैं भी हम भी राज़ी हों, क्योंकि हम भी किसी एक दो तीन चार पाँच छः से खफा हैं उनसे हम राज़ी हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनकी डिटेल कुछ ऐसे है कि शरबत बना लिया हमने, कटलेट वगैरह भी बना लिए, शरबत भी बना ली, चटनी भी बना ली है, खजूरें वगैरह भी बना ली, चाट भी बना ली और बर्गर भी बना लिए। अब सब कुछ हम एक वीडियो में ला नहीं ना सकते थे, जो चीज़ ला लिए बस ला लिए। बाकी रमज़ान ख़त्म होने वाला है, खुशियाँ बांटते हैं जितनी बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको व्लॉग अच्छा ही लगा होगा, फनी टाइप का था। एक दिन आएगा जब मैं ये बात बोलूँगा, ये पब्लिक की डिमांड है, पता नहीं वो दिन कब आएगा। भी कैसा बना कल्टस? बात राफिक होता है।